नरेंद्र मोदी का एक अनोखा अंदाज जो है वो आज लोगों को देखने को मिला। रोड शो के दौरान ये अनोखा अंदाज प्रधानमंत्री का देखने को मिला, जहां रोड शो के दौरान दिव्यांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, दिव्यांग छात्रा दिया से मिलने जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और छात्रा दिया ने स्पेन के प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो ने छात्रा से हाथ भी इस दौरान मिलाया। ये देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बताऊं कि स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं और यात्रा की शुरुआत वडोदरा से हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री दोनों ही रोड शो कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री की नज़र जो है वो एक दिव्यांग छात्रा पर पड़ी जिसके हाथ में तस्वीर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ियों के काफिले को वहां रुकवाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीप से नीचे उतरते हैं और दिव्यांग छात्रा से प्रधानमंत्री जाकर मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर अब काफ़ी वायरल भी हो रही है। तो देखिए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच रोड शो के दौरान काफिले को रोकते हैं, वहाँ उतरते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग छात्रा से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और दिव्यांग छात्रा की तरफ से स्पेन के प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भी जो है वो भेंट की जाती है। तो रोड शो में जहां हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहां प्रधानमंत्री की नज़र जो है वो दिव्यांग छात्रा पर पड़ी और प्रधानमंत्री ने अपने पूरे रोड शो के काफिले को रोका और प्रधानमंत्री जीप से उतरते हैं और उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी थे, वो भी जीप से उतरते हैं और दोनों फिर दिव्यांग छात्रा से मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं और इस दौरान ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया पर अब काफ़ी वायरल भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक नज़र रहती है इसका ये बेजोड़ उदाहरण है, जहां हज़ारों की संख्या में भीड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुँची हुई थी, उस भीड़ में प्रधानमंत्री ने एक दिव्यांग छात्रा को देख लिया जिसके हाथ में तस्वीरें थी और प्रधानमंत्री ने काफिले को वहीं पर रोका और वहां वो जीप से उतरते हैं और उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी उतरते हैं और दिव्यांग छात्रा से वो मुलाकात करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, क्योंकि प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री दोनों रोड शो कर रहे थे, ऐसे में जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है वो भी काफ़ी अहम होता है इस दौरान, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन तमाम चीज़ों की परवाह ना करते हुए जो दरियादिली है वो दिखाई और रोड शो के दौरान वो दिव्यांग से मिले। तो छात्रा दिया ने स्पेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तस्वीर भी भेंट की, माफ कीजिएगा, स्पेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को एक एक तस्वीर भी भेंट की और वो तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी किस तरीके से स्पेन के प्रधानमंत्री को जब तस्वीर दी गई तो वो काफ़ी खुश उस दौरान नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया ने जो है एक तस्वीर भेंट की। तो दोनों ही प्रधानमंत्रियों को तस्वीर जो है वो भेंट की गई दिया की तरफ से। तो रोड शो के दौरान दिव्यांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मिले और अनोखा अंदाज प्रधानमंत्री का इस दौरान नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी इस वक्त मौजूद हैं। दोनों ही नेताओं की तरफ से ये रोड शो जो है वो वडोदरा में किया जा रहा था, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद थे सड़क के दोनों किनारे। इस दौरान अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र एक दिव्यांग छात्रा पर पड़ी जिसके हाथ में 2 पेंटिंग्स थी। प्रधानमंत्री ने अपने गाड़ियों के काफिले को रोका और जीप से प्रधानमंत्री नीचे उतरते हैं, उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी नीचे उतरते हैं और फिर दोनों ही दिव्यांग छात्रा से मुलाकात करते हैं, दोनों ही उनसे हाथ मिलाते हैं। इस दिव्यांग छात्रा का नाम दिया है और
दिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज दोनों से हाथ मिलाया और इस दौरान वो काफ़ी खुश भी नजर आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर वायरल है।